नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय के समय के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे हैरंभ संकष्टी चतुर्थी और बहुला संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने के साथ व्रत रखने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के महत्व के बारे में। संकष्टी चतुर्थी के पावन दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। भगवान गणेश की प्रार्थना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और वे एक समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। चलिए अब आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। भाद्रपद माह की संकष्टी चतुर्थी 3 सितंबर 2023 रविवार को है। संकष्टी के दिन बुद्धि विद्या के दाता गणपति जी की उपासना करने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, मांगलिक कार्य में बाधाएं नहीं आती। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 सितंबर 2023 को शाम 6:24 पर खत्म होगी। गणपति जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 10:45 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:41 से रात 9:31 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रात 8:57 पर रहेगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि संकष्टी चतुर्थी पर उपवास करने से बुध राहु केतु के दुष्प्रभाव भी नहीं झेलने पड़ते। भगवान गणेश की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती है और बुद्धि बल और विवेक की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। चलिए अब आपको संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर सुबह जल्दी उठकर सभी दैनिक कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद श्री गणेश का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान गणेश की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पुष्प के माध्यम से जल अर्पित करें। अब भगवान गणेश को फूल माला दुर्वा घास अर्पित करें। फिर सिंदूर और अक्षत लगा दें। गणपति जी को भोग में मोदक या फिर अपने अनुसार कोई मिठाई खिला दें। अब दीपक धूप जलाने के बाद भगवान गणेश चालीसा और मंत्रों का जाप करें। अंत में विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद भूल चूक के लिए माफी मांग लें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय चंद्रोदय होने से पहले एक बार फिर से गणपति जी की विधिवत पूजा करें। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को जल अर्पित करने के बाद फल फूल दूध से बनी चीजें अर्पित करें। पूजा पाठ पूरा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल लें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। बोलो ओम गण गणपतये नमः।